नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट की बात करें तो बाइक और स्कूटर पर पत्नी के अलावा किसी अन्य को बिठाया तो देना होगा चालान, जानिए नया नियम। जी हां, यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ ही पुलिस व प्रशासन के अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने अब एक नई व्यवस्था लागू की है। इस नई व्यवस्था के तहत बाइक या स्कूटर पर दो लोगों के बैठने पर पाबंदी लगाई गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब एक दो पहिया वाहन पर दो लोगों के बैठने पर चालान होगा। हालांकि राहत वाली खबर ये है कि दो पहिया वाहन पर पत्नी को बिठाने की छूट मिली है। जानकारी के मुताबिक दो पहिया वाहनों पर आपात स्थिति में अब पत्नी के अलावा किसी अन्य को बिठाकर घूमने की इजाजत नहीं है। ऐसा करते पाए जाने पर दोपहिया वाहन के मालिक को पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत ने अब तैनात किए हैं मिसाइल दागने वाले T-90 टैंक्स। जी हां, चीनी सैनिक भारत की पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी सहित कई इलाकों से पीछे हटने को मजबूर तो हो गए हैं, मगर अब अक्साई चीन में करीब 50,000 PLA सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। ऐसे में चीन की नई चालबाजी का वाजिब जवाब देने के लिए भारत ने भी तैयारी कर ली है। भारत ने पहली बार मिसाइल दागने वाले T-90 टैंक्स का स्क्वाड्रन काराकोरम में तैनात किया है। सैनिकों को ले जाने वाली बख्तरबंद गाड़ियों और 4,000 सैनिकों की फुल ब्रिगेड भी दौलतबेग ओल्डी DBO पर तैनात की गई है, ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब तुरंत दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक बार फिर 100 रुपए का नया नोट लाने की तैयारी में मोदी सरकार, जानिए क्या होगा फायदा। जी हां, जल्द ही 100 रुपए के नोट में बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसके लिए मोदी सरकार ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। शुरुआत में इन नोटों को 5 केंद्रों पर प्रयोग के तौर पर जारी किया जाएगा। RBI की ओर से शिमला, जयपुर, भुवनेश्वर, मैसूर और कोची में प्रायोगिक प्रशिक्षण आधार पर 100 रुपए मूल्य के अरब वार्निश लगे बैंक नोटों की शुरुआत करने की मंजूरी दी गई है। वार्निश लगे नोटों की आयु लंबी होगी और ये जल्दी खराब नहीं होंगे, हालांकि इससे नोटों को तैयार करने की लागत में इजाफा हो जाएगा। वार्निश का अर्थ नोट पर एक और लेयर बढ़ाए जाने से है, जो एक तरह की प्लास्टिक कोटिंग होती है। इससे नोट पर पानी पड़ने का असर नहीं होता। वार्निश नोट पर एक विशेष परत चढ़ी होती है, ये परत नोट को जल्द नहीं फटने देती है। इसके अलावा नोट आसानी से गंदे भी नहीं होते हैं। दुनिया भर के कई देशों में ऐसे नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन भारत में अपने आप में ये पहला प्रयोग है। अब भारत में भी वार्निश नोटों का प्रयोग मौजूदा नोटों की जल्दी गंदे होने और कटफट जाने की समस्या से निपटा जा सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को लोन देने से किया इनकार, कहा अब तेल भी नहीं देंगे। जी हां, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त करने के साथ दोनों देशों के बीच एक दशक से चली आ रही दोस्ती को आखिरकार समाप्त कर दिया है। नवंबर 2018 में सऊदी अरब द्वारा घोषित $6.2 बिलियन के पैकेज का एक हिस्सा अब सऊदी अरब को वापस चाहिए, जो वो पाकिस्तान से मांग रहा है। $1 अरब का भुगतान करने के लिए पाकिस्तान से कहा गया है। $6.2 बिलियन के पैकेज में कुल $3 बिलियन का ऋण और एक ऑयल क्रेडिट सुविधा थी, जिसमें $3.2 बिलियन की राशि शामिल है। इसे अब वापसी चुकाने में पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने लिया बहुत ही बड़ा फैसला, पढ़ने वाली स्कूली लड़कियों को सरकार देगी फ्री में स्कूटी। जी हां, भारत का असम राज्य लड़कियों को पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए एक नया प्रयास कर रहा है। असम द्वारा अंतिम स्कूल परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाली सभी छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी देने की योजना बनाई गई है। इस अभियान से अधिक लड़कियां कॉलेज जाने के लिए प्रोत्साहित होंगी, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन के खतरों से अक्सर आगे की शिक्षा बालिकाओं के लिए एक बाधा बन जाती है। छात्राओं को उनके संबंधित कॉलेजों तक जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन की परेशानी से मुक्त करने के लिए स्कूटी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जो भी छात्रा परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करेगी, उसे सरकार की तरफ से कॉलेज जाने के लिए फ्री स्कूटी दी जाएगी। वैसे दोस्तों, ऐसी योजना पूरे देश में शुरू होनी चाहिए या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में भी तैयार होगी रूस की कोरोना वैक्सीन। जी हां, देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कई भारतीय कंपनियों ने रूस से तैयार हुई कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की तरफ रुचि दिखाई है। भारतीय कंपनियों ने रूस को कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी रिसेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड RDIF से वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी जानकारी मांगी है। RDIF ने भी रूस में तैयार स्पुतनिक वी वैक्सीन के रिसर्च और ट्रायल के लिए फंड किया है।
आरडीआईएफ के पास ही इस वैक्सीन की मार्केटिंग और एक्सपोर्ट का अधिकार है। अगर आरडीआईएफ भारतीय कंपनियों को फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी जानकारी मुहैया कराता है तो भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका ने बनाया सबसे अनोखा मास्क, जाने क्या है इसकी खासियत। जी हाँ, अमेरिका की मेडिकल डिवाइस कंपनी ने पारदर्शी मास्क बनाया है। इसका नाम लीफ रखा गया है। इस दुनिया का पहला पारदर्शी मास्क है जिसे एफडीए ने अप्रूव किया है। ये मास्क अपने आप सैनिटाइज होता है। इसे 3 साल से अधिक उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क की कीमत 3,673 रुपए से शुरू है। बैटरी से चलने वाले इस मास्क में अंदर के हिस्से में एंटीफॉग परत है जिससे ये मास्क हमेशा साफ रहता है। ये मास्क 3 रूप से आता है, लीफ यूवी, लीफ प्रो और यूवीसी लाइट फिल्टर भी है। इसमें रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, यानी कि ये खुद ब खुद सैनिटाइज हो जाता है। एंटी माइक्रोबियल और जल रोधी परत के कारण 99.9% रोगाणु को खत्म करने में सक्षम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल कॉलेज से हमेशा के लिए मिलेगी छुट्टी, परमानेंट ऑनलाइन एजुकेशन पर विचार हो रहा है। कोरोना काल का वैसे तो समाज के हर वर्ग और हर सिस्टम पर असर पड़ रहा है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। मार्च की शुरुआत से स्कूल कॉलेज बंद हैं, अभी और कितने दिन बंद रहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। प्राइमरी क्लास से लेकर हायर एजुकेशन तक सब जगह बच्चे मोबाइल या लैपटॉप से पढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए अब सरकार पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही हमेशा के लिए ऑनलाइन कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में बच्चे स्कूल या कॉलेज नहीं जाएंगे, घर बैठे ही वो अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। पूरे एजुकेशन सिस्टम को ऑनलाइन करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ और नीति आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से सुझाव मांगे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के दायरे में प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ साथ आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों को भी लाने पर विचार हो रहा है। जानकार बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन में अब डिजिटल एजुकेशन भी एक विषय शामिल हो गया है। सरकार इसे जल्द ही लागू करने पर विचार कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर लगाया प्रतिबंध, जानिए किन राज्यों में किया जा चुका है बैन। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पान मसाला और गुटखा की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जन स्वास्थ्य के मद्देनजर तंबाकू तथा निकोटीन युक्त गुटखा, पान मसाला व अन्य किसी भी नाम से बिकने वाले ऐसे खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं बिक्री को आदेश जारी करने होने से 1 साल तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड अकेला ऐसा राज्य नहीं है जिसने पान मसाले पर प्रतिबंध लगाया हो। इससे पहले बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड जैसे राज्य भी पान मसालों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। वैसे दोस्तों, पूरे देश में गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, खैनी आदि को बंद कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बिना इंटरनेट के करें डिजिटल लेन देन, शुरू हुई ये नई सुविधा। जी हाँ, कई बार हम ट्रांजैक्शन करने जाते हैं लेकिन इंटरनेट कनेक्शन की वजह से या तो हमारा पेमेंट अटक जाता है या फिर बहुत वक्त लगता है। इसी वजह से कई बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब से आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस परेशानी का भी हल निकाल लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब से ऑफलाइन यानी कि बिना इंटरनेट के पेमेंट करने की सुविधा लागू की है। इस सुविधा के तहत ग्राहक बिना इंटरनेट के शुरुआती चरणों में छोटी छोटी पेमेंट कर सकते हैं। इस सुविधा में ग्राहक एक बार में 200 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। धीरे धीरे पेमेंट की लिमिट बढ़ा दी जाएगी। देश भर में डिजिटल लेन देन को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने यह कदम उठाया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए रेलवे में तैयार हो रहे स्पेशल कोच मिलेगी ये सुविधा। जी हाँ, इंडियन रेलवे ने ट्रेवलर्स के लिए विशेषताओं पर पोस्ट कोविड कोच तैयार किया है। ट्रेन के इन डिब्बों में कई तरह की हैंड्स फ्री सुविधाओं के साथ प्लाज्मा एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाया जा रहा है। रेलवे ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए इस तरह के कोच को तैयार किया है। इन डिब्बों को कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा है। पोस्ट कोविड कोच में कई तरह की विशेष फीचर्स को लाया जा रहा है। इनमें कई ऐसे फीचर्स होंगे जिसमें किसी सुविधा के लिए हाथ का इस्तेमाल नहीं करना होगा, जैसे कि पानी की टैप या साबुन डिस्पेंसर को पैर से ही ऑपरेट किया जा सकेगा। फ्लश वॉल और लेवेट्री दरवाजों को पैर से ही ऑपरेट किया जा सकेगा। वॉश बेसिन में भी कुछ ऐसे ही सिस्टम लगे होंगे। दरवाजे को बाह की कलाई से भी खोलने या बंद करने की सुविधा दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर घर में लगेंगे स्मार्ट बिजली मीटर, नहीं हो सकेगी बिजली की चोरी। जी हाँ, बिहार में बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली कंपनियों ने स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला लिया है। ये मीटर सभी घरों में लगाया जाएगा। इससे बिहार में बिजली चोरी को काफी हद तक रोका जा सकता है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में बिजली की चोरी काफी जोरों शोरों पर है। हालांकि सरकार की तरफ से इसके लिए काफी उपाय किए जाते हैं ताकि बिजली चोरी को रोका जा सके, लेकिन फिर भी बिजली चोरी पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। इसीलिए केंद्र सरकार अब पूरे देश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने पर विचार कर रही है।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।